तो दिस इज इन्फिनिटी ट्रिगर। आज हम आपको प्लग टॉप के टाइप बताएंगे, प्लग टॉप कितने प्रकार के होते हैं, इनकी रेंज किस में होती है और इनका प्रयोग कहां कहां किया जाता है। तो चलिए, आशा करता हूं आप वीडियो को देखेंगे, अंत तक देखेंगे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि भविष्य में भी आपको मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर लाता रहूँ इलेक्ट्रिकल के विषयों पर। आप मुझे कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दे सकते हैं। तो चलिए, प्लग टॉप मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक 6 एम्पियर का, एक 16 एम्पियर, अर्थात एक लाइट लोड के लिए, एक पावर लोड के लिए। लाइट लोड उन्हें बोला जाता है जिनका करंट का मान 6 एम्पियर तक हो, जैसे हमारे जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर, ड्रिल मशीन इत्यादि, प्रेस, जिनका लोड का मान 6 एम्पियर के अंडर हो। जबकि पावर लोड उन्हें कहा जाता है जिनका करंट का मान, जिस लोड का करंट का मान 10 एम्पियर से अबव, अर्थात 16 एम्पियर, 15 एम्पियर के आसपास हो, जैसे हीटर हो गया, बॉयलर हो गया, गीजर हो गया, कुछ इस प्रकार के लोड। कंस्ट्रक्शन के आधार पर तो प्लग टॉप कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, डोमेस्टिक में कौन से के होते हैं, इंडस्ट्रियल में कौन से के होते हैं। डोमेस्टिक वाले प्लग टॉप मेरे ये हैं 6 एम्पियर का, देखिए इस पर लिखा भी होगा 6 एम्पियर, हम इन्हें जनरली 5 एम्पियर और 15 एम्पियर ही बोलते हैं, लेकिन मेंशन इन पे 16 रहता है। देखो ये इंडस्ट्रियल है, कई बार हम इसे घर में भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मुख्यतः इंडस्ट्री के लिए डिज़ाइन है, ताकि ये देखो इनकी बॉडी भी मेटल की रहती है, ताकि मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी बने रहे और टेम्परेचर आदि का इशू ना रहे। ये 3 फेज का है, पावर के 3 फेज लोड के लिए, कोई मोटर चलानी हो, कोई 3 फेज ग्राइंडर हो, फैन हो 3 फेज। देखिए इसमें 3 पिन है, इसमें भी एक आर के फेस के लिए, एक वाई के लिए, एक बी के लिए, ये तीसरा अर्थ का है। ठीक इसी प्रकार इसमें भी अर्थ का ये वाला पिन है, ये फेस और न्यूट्रल का है। ऐसे ही इस वाले 15 एम्पियर वाले में दो, एक फेस, एक न्यूट्रल, तीसरा अर्थ। ठीक इसी प्रकार इसमें भी किसी भी अप्लायंस के लिए प्लग टॉप का एक इम्पोर्टेंट रोल है। अगर हम किसी अप्लायंस को डायरेक्ट सॉकेट में तार छील के डालते हैं तो उसमें स्पार्किंग होने की संभावना बनी रहती है, जिससे शॉर्ट सर्किट भी, आग भी लग सकती है, इसीलिए प्लग टॉप लगाना ज़रूरी है। प्लग उसे बोलते हैं जिसमें सॉकेट, जिसमें प्लग लगता है। देखिए ये मेरा प्लग है, ये मेरा प्लग है, ये इसका टॉप है, इसीलिए इसको प्लग टॉप कहते हैं। एक छोटी सी जानकारी और देता हूँ, आपने देखा होगा प्राय प्लग टॉप में जो तीसरी पिन होती है, ये बाकी अन्य दो पिनों की अपेक्षा लंबी और मोटी भी रहती है। मोटी इसलिए रहते हैं कि मोटा होने से किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होता है, क्योंकि आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, अर्थात एरिया ज़्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो किसी भी अप्लायंस की बॉडी में जो लीकेज होगा वो ईजिली अर्थ में पास हो जाएगा, ग्राउंड में पास हो जाएगा। लंबी